आए आपको दिखाते हैं थाईलैंड का ताजमहल। ताजमहल तो आप लोगों ने देखा है कि संगमरमर से बनी हुई इमारत है जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन अब थाईलैंड में इस वाइट टेम्पल को देखने के लिए भी लोग उसी तरीके से दूर दूर से आते हैं। मैं इस समय चियांग राय में हूँ, चियांग राय, चियांग माई से लगभग 2 घंटे का रास्ता है इस मंदिर तक पहुँचने के लिए, और इसके बावजूद हाफ तौर पर चियांग माई और चियांग राय से घुसते आते हैं ताकि ये मंदिर देख सकें। पहले आप सामने ये देखें कि ये छोटा सा पॉन्ड यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और उसमें ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन फाउंटेन बनाया गया है जो इतना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद ये देखें, इस सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये पूरा इसी वाइट टेंपल का है, और इसकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। पहली चीज़ ये कि सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में ही है कि यहाँ पर आपको ये हेल देखने को मिलता है, यानी कि हेल और हेवन के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। और ये जो हाथ आपको दिख रहे हैं, ये हाथ जहन्नुम से निकलते हुए दिख रहे हैं, और जिसने ये टेंपल बनाया था उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप एंटर करेंगे तो ये बताए कि अगर आप ज़िंदगी में बुरे कर्म करते हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे, और ये हाथ उन लोगों के दिखाए गए हैं जो जहन्नुम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि ये मंदिर है और आप जानते हैं कि सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट हेवन हेल का, जन्नत का, जहन्नुम का और स्वर्ग का, नरक का, हर कॉन्सेप्ट, हर एक रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी आपको एंट्रेंस में बिल्कुल इस मंदिर को एंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा। और ताजमहल इसे जो है जनरली एक टर्म जो है वो सोशल मीडिया पे दी गई है सिर्फ इस वजह से कि पूरा का पूरा मंदिर जो है वो सफ़ेद रंग का है, और जिस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है, जितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है, उस खूबसूरती को कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब आप आके देखेंगे कि है ये मंदिर है और इसकी कहानी वैसे ताजमहल वाली नहीं है। और दूसरा जाहिर सी बात है, हर एक मॉन्यूमेंट का अपना एक चार्म होता है। मैं जब यहाँ आई इस वाइट टेंपल को देखा तो इस टेंपल का अपना चार्म है, इसे ताजमहल से कंपेयर करना सही नहीं होगा, बट स्टिल ये आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ राक्षस दिखाए होते हैं, यहाँ पर भी हेल के गेट पे उसी तरीके से मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल तरीके से मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं सीक्रेट, यानी कि जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। 3 चीज़ें, पहला ये कि यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति रखी गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ माथा टेकने आए हैं वो माथा टेकेंगे। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको यहाँ पे टूर गाइड्स बताते हैं कि इस वाइट टेम्पल की खासियत क्या है और क्या चीज़ है जो आपको रोकती है, कि आप मना किया गया है कि आप अंदर तस्वीरें नहीं खींच सकते। तस्वीरें आप अंदर इसलिए नहीं खींच सकते क्योंकि अंदर दीवारों के ऊपर चित्रकारी हुई है, और उस चित्रकारी में जहाँ एक तरफ सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स दिखाए गए हैं, आयरन मैन आपको दिखेगा, सुपरमैन आपको दिखेगा, आपको पिकाचू, बेन 10 इस टाइप के कार्टून्स दिखेंगे, डोरेमोन दिखेगा, वहीं दूसरी ओर सुपर विलन्स दिखाए गए हैं। सुपर विलन्स में किन्हें दिखाया गया है? एक तरफ दिखाया गया ओसामा बिन लादेन को, कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, वो ट्विन टावर्स किस तरीके से जलते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं दीवारों के ऊपर, और दूसरी ओर दिखाया क्या गया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से तेल के लिए किन किन कंट्रीज़ में तबाही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर सुपर विलन की कैटेगरी में आपको ये सिंबलिज्म देखने को मिलता है। इस मंदिर को जिसने बनाया था, इसका डिज़ाइनर, प्रोड्यूसर, इसके कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वाला, ज़मीन खरीदने वाला, वो एक ही शख्स है, और उस शख्स ने ये मंदिर बना तो दिया, लेकिन आज के टाइम में ये मंदिर स्पिरिचुअलिटी के लिए या इसके सिंबलिज्म के लिए या फिर इस मंदिर को बनाकर कहना क्या चाह रहा था इस मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति, उस सब पर फोकस लोगों का कम है। फोकस एक ही चीज़ पर है, इंस्टाग्राम पर फोटो और वीडियो यहाँ की बहुत खूबसूरत आती है। और अब तो आपको तस्वीर दिखानी पड़ेगी तभी आप मानेंगे, वरना आप कहते हैं कि नहीं ये ऐसा है नहीं, आप ऐसा दिखा रहे हैं। वाइट टेंपल की बैक साइड पर आपको एक गणेश मंदिर देखने को मिलेगा। जी हाँ, लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश, ये सामने आप देखें, इतनी बड़ी मूर्ति जो है यहाँ पर गणेश भगवान जी की बनाई गई है, और अंदर भी जो एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन के बाहर भी हर जगह आपको गणेश भगवान की मूर्तियाँ दिखेंगी, और हर जगह आपको जो है वो गणेश भगवान दिखेंगे। और मैं ये इमेजिन नहीं कर रही हूँ कि ये गणेश भगवान है। यहाँ पर भी आप जिनसे पूछेंगे कि ये भाई किसका मंदिर है, यहाँ पर ये क्या दिखाया जा रहा है, वो भी कहते हैं कि लॉर्ड गणेशा, लेकिन ये अलग बात है कि वो उसे बुद्धिज़्म के साथ जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये लॉर्ड गणेशा है एलिफेंट बुद्धा,